राम कथा द्वापर चैत्रे नाम अभिके तिथौ नक्षत्रे आदितिर दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु। सारा जो नक्षत्र है वो अपने उच्च स्थान में थे। जय श्री राम। उपस्थित समस्त आचार्यों का और जो श्रोतागण हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत अभिनंदन और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण के उपलक्ष्य में यह आश्वासन कि हम सबका जीवन आगे सुखमय बना रहे। एक अलग ढंग से राम को परखने का नहीं, राम की कथा को परखने का कार्य मैंने सोचा है। राम तो अनंत हैं, विष्णु हैं, उनकी अपार महिमा है। लेकिन जब हम उनकी कथा की बात करते हैं तो वह आदि भौतिक से लौकिक हो जाता है। तो हम एक लौकिक आधार को लेकर राम के पारलौकिक स्वरूप की चिंतन करने की एक एक चेष्टा भर है, क्योंकि कथा हम लिखते हैं, चरित्र उनका है जो अद्भुत चरित्र है। उसको गाने वाले, सुनाने वाले, जिन जिन का आप नाम लें, सर्वप्रथम नारद ने और उसके उपरांत वाल्मीकि ने, और फिर तो अनेक एक सरणी है जिन्होंने उस कथा को लेकर अपने अपने आयाम उसमें जोड़े हैं। पूर्व की बातों को आधार मानते हुए आगे की रचनाओं में निश्चित रूप से समय के हिसाब से, लेखक काव्यकार के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अंतर परिवर्तन अति स्वाभाविक है। लेकिन इन सबका एक लेखा जोखा भी आवश्यक है। जब मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं तो एक अलग भाव है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, तुलसीदास तो प्रमुख ही हैं, उसमें अलग भाव। तो इस दृष्टि से मैंने त्रेता युग में जो चरित्र हुआ, जो कृत्य हुए, जो घटनाएं घटी, उनको उनके बाद के युग में कैसे देखा गया और किस प्रकार से उसको अनुस्यूत किया गया महाकाव्य में, तो इस ओर मेरा ध्यान आप सब लोगों का आकृष्ट करने का उद्देश्य है। और इसमें कहीं कहीं पुट कुछ थोड़ा अजीब सा भी आएगा, लेकिन हम लोग उन सबका एक समीक्षात्मक साहित्यिक अभिधान से समीक्षा नहीं बल्कि इतिहास की दृष्टि से समीक्षा करेंगे। तो हम काव्य की समीक्षा न करके काव्य धारा के इतिहास की समीक्षा करेंगे।
इसलिए एक नया दृष्टिकोण लेते हुए मैंने एक प्रयास किया है और उपस्थित कर रहा हूँ आपके सामने। देखा जाए कि हम लोग या मेरा कुछ सामर्थ्य इसमें सफल हुआ है। निश्चित रूप से कुछ बहुत ही आकर्षक चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो हमारा शीर्षक आप सबको ज्ञात हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ रहा हूं, राम कथा। तो ये मूल विषय है और ये राम कथा त्रेता की हम नहीं कह रहे हैं, मतलब वाल्मीकि से हटकर बात आ रही है, इसलिए एक उपशीर्षक इसमें मैंने रखा द्वापर की। राम कथा द्वापर की, और उस कथा को अध्ययन जो मैंने अभी थोड़े शब्दों में आपके सामने रखा, एक ऐतिहासिक परिवीक्षा। तो हम उसकी एक समीक्षा भी करेंगे, उसको उलट पुलट के देखेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे क्या था, कैसे परिवर्तन हुआ, इन सब की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और आशा है यह चर्चा आप सबके लिए उपयोगी और उत्साहवर्धक होगी। सर्वप्रथम आज का दिन सभी लोग, सबको मालूम है, हम रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। देखिए ये जो ऋतु है और ऋतु का ये जो समय है, मास दिवस घटी, ये सब भी बहुत ध्यान देने की है। और उस वो यह हमेशा यह अपरिवर्तित है, यानी राम का जन्म अपरिवर्तित है, आज तक चला आ रहा है और हम इसको मना रहे हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, अपावन काल लोक विश्राम, ये तुलसी ने इसको लिखा। ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी वार्ता में ये बाद का है, लेकिन ये कहना इसलिए पहले है कि हम तुलसी से बहुत प्रभावित हैं। तुलसी ने राम के माध्यम से जो एक बीड़ा उठाया मध्यकाल में, और हमारे मानस को, मानस लिखकर हमारे मानस को जो जगाया, उसके लिए हम हमेशा, हम सब लोग कृतज्ञ हैं। तो आरंभ तुलसी से और फिर हम चलते हैं इसके पूर्व, तिथौ नावमिके यज्ञे तथा दाशरथादपि कृत्वात्मानं महाबाहुः चतुर्धा विष्णुरव्ययः। ये चतुर्मूर्ति के रूप में राम को कहा गया, ये द्वापर में कहा गया है। चतुर्मूर्ति में राम अर्थात राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों के चारों विष्णु के स्वरूप हैं। चौमुखे विष्णु, चतुर्मुख विष्णु, ये कल्पना महाभारत की है, द्वापर की है। और जबकि मुख्यतः ऐतिहासिक और पारलौकिक आध्यात्मिक स्वरूप उनके ऊपर जो काव्य लिखा गया
वाल्मीकि का उसमें है। तो इन तारतम्यों को समझने के लिए हम यहां यह उल्लेख कर रहे हैं। और देखिए कैसे वाल्मीकि ने क्या लिखा है, ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम षट समत्ययु। देखिए बड़ा ग्राफिक और बड़ा ऐतिहासिक वर्णन है ये। ततो यज्ञ समाप्ते तु, अब यहां जो यज्ञ शब्द है वो जो पुत्र कामना हेतु यज्ञ कर रहे थे उसकी चर्चा है यहां। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, ऋतूनाम षट समत्ययु, छह ऋतुएं बीत गईं, एक वर्ष बाद की बात हो रही है, ये एकदम ऐतिहासिक बात है। किस तरह से इतिहास इसमें अनुस्यूत है। ऋतूनाम षट समत्ययु, छह ऋतुएं बीत गई हैं, एक वर्ष बीत चुका है, उसके बाद दशरथ के आंगन में चारों बालक अवतरित होते हैं। ततश्च द्वादशे मासे, उसमें भी अगले वर्ष में भी द्वादशे मास, बारहवें महीने में चैत्रे नाम अविके तिथौ नक्षत्रे आदितिर दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु, सारा जो नक्षत्र है वो अपने उच्च स्थान में थे। और उतना ही नहीं उच्च स्थान था, ग्रहे शुकर कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह प्रौद्यमाने जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतम। सर्वोच्च स्थान में, और उसमें भी सूर्य सर्वोच्च, मध्य का दिन, बीच में ही सूर्य की अतीव जो किरणें हैं उसका जो सामर्थ्य है सूर्य का वो मध्यान्ह में ही होता है। और विष्णु को त्रिपग गामी भी कहा गया है, सूर्योदय, मध्यान्ह का सूर्य और अस्त का सूर्य, ये वैदिक ऋषियों की कल्पना में आता है। और उनके तीन पग बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन सब का उल्लेख ये वाल्मीकि जी ने हम लोगों के सामने किया, और जो दो दिए आपके सामने मैंने उदाहरण, उनके उदाहरण में कहीं अधिक यह ऐतिहासिक है। कौशल्याद जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुक्त, दिव्य लक्षण में थे ऐसे श्री राम, आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, जिनका जन्म हम उत्सव कर रहे हैं, इसी समय जन्म लिए थे, ठीक मध्यान्ह 12 बजे दिन। और यह संयोग है कि यह आयोजन भी उसी क्षण में हो रहा है जिस समय राम का जन्म हुआ था। हम सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए त्रेता युग के श्री राम की कथा का एक ही अकेला ग्रंथ है, और होगा भी, क्योंकि उस समय तो अकेले वे स्वयं थे और उनके साथ एक महाकवि वाल्मीकि है जुड़ते हैं, ऋषि नारद जुड़ते हैं। नारद ने जो कुछ भी राम कथा लिखी सुनाई बताई वो वाल्मीकि को बताई, अलग से कोई ग्रंथ नहीं है उसका। और वाल्मीकि ने जो सुना जो समझा जो गुना जितना कुछ, जैसा कहा जाता है कि वो उसी काल में थे, तो जो कुछ उन्होंने देखा
उस युग में जाना, उन सबका लेखा जोखा एक अकेला ग्रंथ हमको प्राप्त होता है उनका, जिसे आज हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। स्पष्ट ही है कि रामायण अनंत है, प्रसिद्ध है, राम कथा अनंत है, लेकिन उसको स्पेसिफाई करने के लिए, निश्चित रूप से करने के लिए कि हम किस रामायण की बात कर रहे हैं, किस राम कथा की बात कर रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण। अनेक रामायण है, उनकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे जी। इस रामायण की, बाकी जो रामायण है वो कभी महत्वपूर्ण होती हैं, कभी फिर बदल जाती हैं, फिर दूसरे तरह की रामायण की आवश्यकता समझ में आती है, होता रहता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की विशेषता है ये, इसकी प्रधानता आज तक बनी हुई है। इसकी प्रधानता में कोई अंतर आज तक नहीं आया, ये बहुत विशेष बात है। हम जब तुलसी की बात करते हैं तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्त रूप में लिखा आदि आदि, लेकिन रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा वह शाश्वत रामायण। श्री राम की कथा की अधिकाधिक प्रसिद्धि के संदर्भ द्वापर युग से संबद्ध इतिहास ग्रंथ महाभारत में प्राप्त होते हैं। अब इस राम के संदर्भ को हमने आलोड़ित करने की कोशिश की है और ये पाया कि अन्यान्य जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, राम का उल्लेख यत्र तत्र है। कोई भी पुराण लिखा गया, कोई भी अन्य बातें लिखी, अन्य अन्य विषयों को लेकर के ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब में राम कथा कहीं एक अंश के रूप में है। और ऐसे लिखने वाले समस्त ग्रंथों में जहां सर्वाधिक राम का उल्लेख हुआ है वो महाभारत है। रामायण तो उनके पूरे चरित्र को लेकर के एक ग्रंथ है, और उनके चरित्र को जगह जगह पर उल्लिखित करने वाला जो ग्रंथ है, और सर्वाधिक बार उसको उल्लेख करने वाला जो ग्रंथ है, और जो युग है वह द्वापर है, और द्वापर में लिखा जाने वाला ग्रंथ महाभारत है। तो आरंभ से ही त्रेता युग बीतते बीतते ही राम की कथा का कितना प्रचार हुआ होगा और कितना अधिक महत्वपूर्ण हमारे जन समुदाय के लिए वह था, इसको समझने के लिए ये बात मैं कह रहा हूं। देखिए, रामायण की कथा महाभारत में आरंभ कैसे हो, और किस स्थान पर राम का उल्लेख सर्वप्रथम आता है, आपके सामने मैं रख रहा हूं उस घटना विशेष को। नैमिषारण्य में 12 वर्षीय सत्र चल रहा था, और उस सत्र में आए हुए ऋषि जिनका नाम लोम हर्षण के पुत्र था, लोम हर्षण पुत्र, और उनका मूल नाम उग्रश्रवा, उनका दूसरा नाम होता है सूत, जिसे हम सूत जी कहा करते हैं। तो सूत जी ने ऋषियों के आग्रह पर, ऋषियों ने उनसे आग्रह किया कि एक कथा आप सुनाइए, तो उनके आग्रह पर उन्होंने व्यास संहिता रची। व्यास संहिता जो व्यास द्वारा बनाई गई थी उसका उन्होंने उपस्थापन किया, व्यास संहिता। ये व्यास संहिता क्या है? महाभारत का एक दूसरा नाम है। तो व्यास संहिता नाम से प्रसिद्ध महाभारत की कथा सुनाते हुए
जब धृतराष्ट्र की उस स्थिति का वर्णन करने लगे। कौन सी स्थिति? जब वो अपने पुत्रों को, पुत्रों के बारे में संजय से शोक संवेदना सुन रहे थे। ये पुत्र आपके मारे गए, ये पुत्र मारा गया, इतने मर गए। जब ये बातें वो सुन रहे थे तो संजय ने उनकी सांत्वना हेतु महाराज को एक कथा सुनाई और वो कथा शैव्य को सुनाई गई थी। महाराज शैव्य को सुनाई गई थी उनके पुत्र शोक को दूर करने के लिए। देवर्षि नारद द्वारा वो पूर्वकालिक कथा थी जिसमें 24 राजाओं के चरित्र का प्रधान वर्णन किया गया है और उसमें 19वें स्थान पर जो वर्णन है वो दशरथ पुत्र राम का है। द्वापर युग की यह प्रथम कथा है राम से संबंधित। और आप देखिए यहां यह बड़ी विशेष बात है कि राम की कथा का उपयोग किस लिए किया गया। पुत्र शोक के नाश के लिए, पुत्र शोक न हो किसी के अंदर, वो जो कार्य कर रहा है करता रहे, शोक से भ्रमित होकर, शोक से दुख मनाकर कार्य की संलग्नता छूट जाए, ऐसा न हो, इसके लिए राम की कथा कही गई। बहुत ही अलग तरह से राम कथा को कि एक तरह से हम कहें कि हैंडलिंग की जा रही है द्वापर में। तो ये दृष्टिकोण हमें मिला। 24 राजाओं का चरित्र वर्णन उन्होंने किया श्वैत्य के पुत्र शोक को दूर करने के लिए और उसमें 19वें स्थान पर दशरथ पुत्र राम का उल्लेख आया जहां पर पहली बार राम दाशरथी कहा गया। द्वापर में राम दूसरे भी हैं। त्रेता में राम दो थे, एक राम थे एक परशुराम थे। तो परशुराम को कहने की कोई जरूरत नहीं होती थी और राम अपने से जाने जाते थे। लेकिन जब द्वापर युग में हम आते हैं तो तीन राम हो जाते हैं, परशुराम, राम और बलराम। तो तीनों में भेद तो बताना ही पड़ेगा ना लेखक को। तो अब द्वापर युग में अधिकाधिक रूप से अनेक जगहों पर, कुछ संख्या मैंने जोड़ कर निकाला है, राम को राम नहीं दाशरथ राम से पुकारा गया। ये परिवर्तन है, राम को राम नहीं कहा, कम कहा या बराबर कहा या कम अधिक कहा, लेकिन ज्यादा जोर इस बात पर है कि जब कभी श्री राम का उल्लेख करें तो दाशरथ राम का कर करें। तब बलराम अलग हो जाएंगे, परशुराम अलग हो जाएंगे। तो ये एक उद्देश्य परक भेद हमें राम कथा में, राम के उल्लेख में दाशरथ शब्द के साथ के उल्लेख का एक अलग आयाम जुड़ता है। तो ये हमारी परिवीक्षा का आधार बिंदु है। हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रथम अध्याय के प्रथम उल्लेख के संदर्भ, ये बेटा ये फुल जरा कर देते अपूर, जरा इसको फुल उस पर कर देते स्लाइड को, फुल पर कर दो तो अच्छा रहे।
जिसे पढ़ने में सुविधा रहेगी। हाँ अच्छा यहाँ पर है, ओके ओके ओके, वो तो नीचे था। हाँ जी, तो देखिए हमने इसमें एक संख्यात्मक भेद और अध्ययन की दृष्टि से यह सब तो करना ही पड़ता है। हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अध्ययन और शोध की क्या विधियां हैं। तो दाशरथ राम 8 बार वाल्मीकि रामायण में आया है, जबकि दशरथ के साथ उनको उपस्थित करने का की आवश्यकता उनको समझ में आई। तो उनके सारे रेफरेंस मैंने दिए हैं, सब संदर्भ हैं। और दाशरथ राम 12 बार महाभारत में आए, यानी दाशरथी को जोड़ के कहने का कि आवश्यकता ऐतिहासिक ढंग से यह आवश्यकता आई होगी, तब अधिक प्रयोग हमको प्राप्त होता है। तो महाभारत में राम कथा का प्रथम संकेत उग्रश्रवा द्वारा महाभारत के पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों के विवरण के क्रम में रामोपाख्यान आता है। वो जो पहली घटना बताई वो दूसरे तरह की है, और अब ये जो महाभारत के उपाख्यान हैं, महाभारत के विभिन्न अंश हैं, अब वहां पर पहली बार आता है आदि पर्व। आदि पर्व में जो रामायण की कथा आती है उसका नाम दिया उन्होंने रामोपाख्यान, वो उपाख्यान हो गया। महाकाव्य से एक आख्यान, छोटा रूप हो गया। स्वाभाविक है, महाभारत एक बहुत ही विस्तृत आयाम के साथ लिखा हुआ ग्रंथ है, और उसमें राम कथा, क्योंकि वो कथा तो राम की उसमें अनुस्यूत होनी थी, तो राम कथा उसी हिसाब से कमोबेश जगह जगह पर आई है। तो आदि पर्व में रामोपाख्यान के रूप में उल्लिखित किया गया, वो दिया गया। अंकों को मैं छोड़ देता हूं, समय उसमें जाएगा, सारा इसमें उद्धृत है, किस किस पर्व में, किस अध्याय में, किस श्लोक में, किस श्लोक से किस श्लोक तक, सारी परिपूर्णता के साथ मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए उसे मैं बार बार कहूँगा नहीं, जो समय बचाएगा। लेकिन इसको लेकिन एक और नाम भी दिया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर रामोपाख्यान एक शब्द आया, और एक दूसरा शब्द आता है रामायणम उपाख्यानम। तो यह बड़ा स्पष्ट संकेत है, एक संकेत इस बात का है कि रामायण के आधार पर लिखा गया आख्यान, क्योंकि ये महाभारत का एक हिस्सा है और उस हिस्से में भी हिस्सा है, तो अपना आधार ग्रंथ, जैसे हम लोग फुटनोट लगाते हैं अपने लेखन के लिए, तो महाभारत ने भी एक फुटनोट लगाया है, ये रामायणम उपाख्यानम। पूरा रामायण हमारे यहां उपाख्यान के रूप में वर्णित है। तो ये राम कथा के प्रवाह के साथ क्रमशः जो परिवर्तन होता है, ये ऐतिहासिक परिवीक्षा के रूप में हम ले रहे हैं और आगे भी इसका संदर्भ देते रहेंगे। इस अंश में युद्ध में रावण के वध का विशेष उल्लेख है, ये रामायणम उपाख्यानम या रामोपाख्यान शब्द
से जो सर्ग लिखा गया है, 56वां सर्ग है आदि पर्व के नहीं द्वितीय सर्ग के 56वें श्लोक में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा मैं इसको विवृत करूंगा आपके सामने। इस जगह पर रावण के वध का विशेष उल्लेख किया गया, राम कथा का कुल जिस्ट उन्होंने क्या दिया, रावण वध दिया। यत्र रामेण विक्रम्य निहितो रावणो युधे, सारा विक्रम राम का जो है वो निहित क्या हुआ, आकर के लग गया रावण के से युद्ध करने में और उस रावण का वध किया गया। ये बड़ी प्रमुख बात इसमें कही गई है और इस दृष्टि से रामायण में जो ये माना जाता है कि राम की कथा का चरित्र कहा गया और राम की भक्ति आदि और अन्य अन्य बातें, संभवतः यह उद्देश्य नहीं था कथाकारों का। कथाकारों का मेरा अर्थ कथा वाचन से नहीं है, कथा के लेखकों का, वाल्मीकि का भी और व्यास का भी, ये दोनों का उद्देश्य क्या था, वो वीरत्व की ओर ध्यान देते हैं, उनके वीर विक्रम की बात कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये कथन क्यों महत्वपूर्ण है, वाल्मीकि के ग्रंथ में एक शब्द आता है जिसको आम तौर से हम लोग छोड़ देते हैं, रावण वध कहा है उसमें, काव्य को, अपने काव्य को वाल्मीकि ने रावण वध कहा है, काव्य रावण वध काव्य ये लिखा है। और ये रावण वध जो उन्होंने कहा है वाल्मीकि के रामायण में, इसको रावण वध कहा। देखिए वो श्लोक मैंने यहां जानबूझ करके उद्धृत किया है, रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशरथिश दश शिरश्च वधम निशामयध्वम। ये उस श्लोक के अंत में ये कहा गया है कि दश शिरश्च वधम, तो रामायण का जो उद्देश्य वहां है वो उस वध करने का है। अयोध्या में भी जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ, उस उत्खनन में जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में भी राम को दस सिर वाले रावण का वध करने वाले राम कहा गया है। तो राम की प्रतिष्ठा रावण के वध से है, विक्रम की दृष्टि से, भक्ति और अन्य दृष्टियों से अलग है लेकिन विक्रम की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से। और इसको हम बाद में नहीं वाल्मीकि से ही देख रहे हैं, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और संदर्भ भी है। वाल्मीकि में रामायण के, वाल्मीकि के रामायण में ग्रथित काव्य को रावण वध कहा गया, यानी वाल्मीकि ने न, हम कह करके हम ये कहना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा उस रामायण में उसको रावण वध काव्य कहा गया। अब हम अभी इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे कि कब इसको रामायण कहा गया, क्योंकि उस पर हमने जो ढंग से उस पर काम करके निकालना चाहिए वो मैं नहीं कर पाया हूं, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि ये रावण वध काव्य है। रघुवर चरितम मुनि
प्रणीतम दश शिरश्च वधम निशामयत्वम। इससे अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि शायद इस काव्य का मूल नाम रावण वध काव्य था। और इस प्रकार की परंपरा भी है, मेघनाद वध हमको ग्रंथ मिलता है, जयद्रथ वध ग्रंथ मिलता है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। हिरण्यकश्यप के संदर्भ से भी ऐसा एक वध काव्य मिलता है आदि। तो ये हमको यहाँ उपस्थित करने का यही उद्देश्य था कि यह एक वध काव्य के रूप में आरंभ हुआ और फिर रामायण राम चरित के रूप में जाना गया और द्वापर में आकर के भी इसे उस रूप में जाना गया, क्योंकि महाभारत के सामने इसका महत्व कथानक की दृष्टि से कम हो गया। राम कथा के संदर्भ की दृष्टि से युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में विभीषण को आमंत्रित किया उन्होंने, और उस आमंत्रित करने हेतु लंका जाने के समय घटोत्कच को राम सेतु का दर्शन कर राम का विक्रम एवं उनका स्मरण हो, घटोत्कच को भेजा था कि जाओ और वहां जाकर उनको आमंत्रित करो कि वे ये हमारे राजस्व यज्ञ में आए। और जब घटोत्कच जाते जाते अब भारत से लंका में जाना हुआ और पार करना हुआ, उस जगह राम सेतु का दर्शन कर राम का विक्रम याद आया और राम का स्मरण भी हुआ। इसमें दो बातें मुझे कहनी है। एक तो यह कि राम कथा को महाभारत में लाने का एक तरीका अपनाया गया कथा के कहने का, और दूसरा जो बड़ी बात हमें समझ में आती है कि द्वापर युग तक वह राम सेतु अवस्थित था। यह एक ऐतिहासिक बात दिख रही है यहां। तब तो ये लिख रहे हैं कि राम सेतु का दर्शन कर, राम सेतु का दर्शन कर उन्हें ये स्मरण आया और पूरा फिर रामायण स्मरण आ गया, राम कथा पूरी की पूरी स्मरण आती है। तो इस तरह से उनके चिंतन में आया, और श्लोक भी मैंने यहां उल्लिखित किया है, मनसा सदा कुछ सरल तरीका बताओ भाई इसका, ये तो हाँ बटन ये यही ना तिकोना वाला बटन ना, हाँ ठीक। तो देखिए ये श्लोक भी मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए कि इससे एक साथ साथ प्रामाणिकता सिद्ध होती चलती है। रामिक्ष्वाकु नाथम वै स्मरंतम मनसा सदा, उसको उनका स्मरण करते 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 जो उन्होंने देखा उसका स्मरण किया और क्या, और तब वो विभीषण के पास पहुंचते हैं। अब देखिए राम कथा सभा पर्व में, रामायण के सभा पर्व में राम कथा मिलती है। यह संक्षिप्त कथा है, आठ अवतारों की कथा में छठा अवतार श्लोक आदि दिया है, और ये श्लोक मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। तिथौ नावमिके यज्ञे तथा दाशरथादिपि कृत्वा आप
आत्मानं महाबाहुश चतुर्धा विष्णु रब्बया, चतुर्मुख रूप में चारों ही भाई जन्म लिए। और फिर वो आगे उसकी कठिनाई आती है। अब देखिए महाभारत में राम कथा के कुछ राम कथा को एक के बाद एक कहने के अवसर हैं और कई जगहों पर छिटपुट कहा गया है, राम कथा अनुसूत रूप में नहीं है। अब जैसे मैं यहां आपके सामने उल्लेख रख रहा हूं मारीच के माया मृग रूप पर राम का लोभ हुआ, ये सभा पर्व में ये बात आती है। समासन्न पराभव के समय किसी की भी बुद्धि का विपरीत होने के उदाहरण के रूप में, और वो उस समय पर जबकि द्यूत में युधिष्ठिर हारते जा रहे थे और हार चुके थे, अब उनको क्षमा कर दिया गया था कि ठीक है आप वो क्या, और अब आप पुनः पूरे राज्य के साथ वापस जाए। उसमें जो दोबारा द्यूत के लिए आमंत्रण आता है तो उनके मन में ये आया हो सकता है मैं जीत ही जाऊं, तो उस स्थिति में युधिष्ठिर द्वारा दोबारा द्यूत स्वीकारने के संदर्भ में राम की एक कथा के एक घटना को उल्लिखित किया गया है द्वापर की इस कथा में। असंभवे हेम मयस्य जन्म जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समा सन्न पराभवानां धियो विपर्यस ततराभवन्ति। बड़ा सीधी सी बात है कि जब आदमी बहुत चिंतित रहता है, अशांत रहता है और रहता है तो उसकी बुद्धि जो है वो सही नहीं रहती है। कैसे सही नहीं रहती है इसका उदाहरण दिया, देखिए द्वापर में इसका उदाहरण राम से दिया गया कि असंभवे हेम मयस्य जन्म। स्वर्ण मृग का जन्म ही संभव नहीं है और सब लोग जानते हैं, ये कौन नहीं जानता, राम नहीं जानते होंगे। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम को लोभ आ गया। ठीक उसी तरह से जैसे युधिष्ठिर को आ गया कि हो सकता है इस बार मैं जीत करके फिर वापस ले लूं सब कुछ जो सब हार गए थे, इस संदर्भ से राम का उपस्थित करना ये एक अध्ययन की वस्तु बनता है। लेकिन मैं यहां इसके आगे थोड़ा सा जाऊंगा और मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि श्री राम लुलुभे नहीं थे। ऐतिहासिक और काव्य की परीक्षा का ये अंश ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से है। राम को लोभ आ गया ऐसा कहना ही गलत है, ये द्वापर में ही कहा जा सकता था इस तरह का। राम लुलुभे नहीं थे तो क्या स्थिति थी? देखिए मारीच जो है वह स्वर्ण मृग बना था, मारीच स्वर्ण मृग बना ये सब सभी लोग जानते हैं। गीता प्रेस के संस्करण में स्वर्ण मृग ही लिखा हुआ है, लेकिन मृग जो था वो मूलतः रत्नमय मृग था। ये कथा और कथा के विवरण में गुह्य रूप से जाने पर हम शायद केवल भक्ति भाव से कथा सुने, कथा को पढ़ें तो इन बिंदुओं को नहीं समझ पाएंगे, न पकड़ पाएंगे।
तो वो स्वर्णमिग नहीं था। हम सब लोग जानते हैं कि सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े। वस्तुतः वह मृग रत्नमय था, ये वाल्मीकि रामायण में ही कहा हुआ है। लेकिन वाल्मीकि कांड के अरण्य वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में एक बात और कही गई। वहां कहा गया कि उसका पार्श्व भाग यानी अगल बगल का पीछे का हिस्सा वह हेममय था और रजतमय था, सोने और चांदी जैसा चमकदार था, मतलब कहने का। तो एक भ्रम भी यह रामायण से आरंभ होता है। मैं ऐसे भ्रमों को मानता हूं कि ये रामायण के क्षेपक अंश हैं। जब मैंने कैकेयी पर कार्य किया था तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हमको मिले थे, और भी जगहों पर मिले हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि ये किसी ने डाल दिया है। अब अरण्य कांड के एक स्थान पर मृग रत्नमय लिखना और दूसरी जगह पर वहीं जाकर के आगे हेम और रजत आभा वाला लिखना, ये दोनों में विपर्य है। तो ये बहुत मुझे संकोच होता है कि वो सुवर्ण मृग था, वो रत्नमय का ही विशेष विवरण रामायण में आता है और यहाँ पर द्वापर में आकर के वो हो गया हेम मृगस्य जन्म, जो उद्धरण भी गलत है, यह सही उद्धरण नहीं माना जाएगा। और किस प्रकार से द्वापर में इस बात को कहा गया इसकी भी शोध करनी चाहिए, इसका भी एक अध्ययन करना चाहिए। मृग के प्रति मोह किसका हुआ था? मृग के प्रति मोह सीता को हुआ था, राम को नहीं हुआ था। तो रामो लुलुभे मृगाया कैसे कहा जाएगा जब उनको उसका मोह ही नहीं हुआ? तो लिखना चाहिए सीता का, सीता को वो लोभ आया। और ऐसे सामान्य रूप से बातों में तो हम सब लोग कहते भी हैं कि उन्होंने कहा कि उसका हम चीर बनाएंगे और उसको पहनेंगे, इसलिए जाइए और उसको मार कर लाइए, वगैरह वगैरह सब अन्य कथाओं में बाद में जो लिखी गई कथाएं हैं उनमें सब और भी इसको विस्तृत ढंग से लिया गया। तो हृदयम हारा तीव में मृग के प्रति मोह हुआ सीता का। सीता ने कहा कि ये मेरा हृदय चुरा ले रहा है, इतना सुंदर है। तो आगे ये भी बात कहा है कि ये अगर इसका मृग कचर मिलेगा तो हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ेगी और हम इसकी चटाई बनाएंगे और उस चटाई पर हम लोग बैठेंगे। ये लालसा उनके मन में आई, ये श्लोक संदर्भ दिए हुए हैं मैंने। मृग पाने की सीता की प्रबल इच्छा, ये बात राम द्वारा उल्लेखित की गई है। सीता के व्याज से मृग के सुंदर रूप का आकर्षण राम को भी हुआ। राम नहीं लुलुभे, लेकिन उनके माध्यम से, सीता के माध्यम से, सीता ने जो ये बातें कही इसके माध्यम से राम को भी आकर्षण हुआ उसके प्रति। यहां पर जो शब्द आया है वो शब्द है लोभितास्तेन रूपेण, उस मृग के रूप को देख करके लोभितास्तेन रूपेण सीताया च प्रचोदिता, और सीता के कहने से, रूप के देखने से, सीता के कहने से महाभारतकार ने संभवतः इसी शब्द को पकड़कर, देखिए कवि है ना, कवि तो अपने ढंग से चीजों का प्रयोग करता है,
तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत कह दिया या नहीं कहना चाहिए था, काव्य लिखा ही जाता है इस प्रकार से एक मोहक हो जाए और अधिक उसमें स्पर्धा उत्पन्न हो जाए। तो महाभारतकार ने संभवतः इस शब्द को ही पकड़ा, लोभितस्तेन शब्द को पकड़ा, वो सीता के लुलुभाए को नहीं पकड़ा, क्योंकि उसको तो राम को और फिर कृष्ण को इस तरह से आगे बढ़ाना था। तो संभवतः व्यास जी ने यहां पर, हम महाभारतकार कह रहे हैं क्योंकि यह काव्य है, अलग है, तो व्यास जी तो सब कुछ लिखे हैं तो उनमें हम लोग पार नहीं पाएंगे। तो महाभारतकार ने संभवतः इसी शब्द को पकड़कर रामो लुलुभे मृगाय लिखा, मृग पाने की सीता की प्रबल इच्छा को दरकिनार करके महाभारतकार ने संभवतः राम के व्याज से कहा कि कवि को युधिष्ठिर की तुलना के लिए उसे पुरुष पात्र चाहिए था। देखिए ये संदर्भ जो है, अब बिल्कुल सही लग जाता है कि वहां तो पुरुष पात्र है ना द्वापर में, तो द्वापर में एक उनको पुरुष पात्र चाहिए था, सीता नहीं चाहिए थी कि सीता को ललक हुआ और उन्होंने उसको मारने के लिए कहा, ये कहा। लोभितास्तेन रूपेण इसको पकड़ा और राम को बैठा दिया युधिष्ठिर के सामने, कि जिस तरह से युधिष्ठिर के मन में ये भाव आ गया, ऐसा ही भाव राम के मन में उस समय आया था। तो अक्सर दुविधा की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है। इस रूप में इस कथा का प्रयोग किया द्वापर के कवि ने। त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो गई थी। ये दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कहां छिटपुट जो उदाहरण है उनकी बात कर रहा हूं। अयोध्या नगरी दुखित हो गई थी, राम लक्ष्मण सीता ये अवध को छोड़कर चले गए, अति दुख। वैसी ही दशा द्वापर में, देखिए वैसी ही दशा द्वापर में राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से हस्तिनापुर की हुई थी। आप देखिए ये हमारी ऐतिहासिक परिवीक्षा का एक बिंदु है। तो हस्तिनापुर की भी स्थिति यही थी, तुलना किया युधिष्ठिर को राम से। ये पूरी पूरा श्लोक है, ये हमने आपके सामने रखा हुआ है कि किस तरह से बभू वार्ता ही अयोध्या नगरी पूरा, जिस तरह से पहले अयोध्या नगरी दुखद हो गई थी, इदम गज साहवयम, ये गज साहव हस्तिनापुर, हस्ती का एक पर्याय शब्द लगाकर हस्तिनापुर का यहां उल्लेख किया है। अब देखिए कुछ छिटपुट इसलिए दिया मैंने आपको उल्लेख कि ये पूरे महाभारत में जगह जगह पर फैला हुआ है, अनेक जगहों पर आया है, कुछ का हम संदर्भ करेंगे, कुछ को केवल बताएंगे कि इन इन जगहों पर है, कुछ के केवल हम श्लोकों के संदर्भ दे देंगे। लेकिन राम कथा अपने आप में क्रमशः भी कही गई है द्वापर, कहां कहां कही गई, तीन जगह ऐसे संदर्भ हैं पूरे महाभारत में, तीन बार राम की कथा कही गई। ये भी एक ऐतिहासिक महत्व की बात है कथा की दृष्टि से, कि एक ही कथा में
जगह जगह छिटपुट संदर्भ तो हमको मिल रहे हैं। तीन बार एक ही कथा को विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहा गया। राम और राम की कथा और उस महापुरुष का महत्व परवर्ती काल में किस किस तरह से हमें साहित्य से भी मिल रहा है। तो सभा पर्व में पहला संदर्भ मिलता है, यहाँ संक्षिप्त कथा आठ अवतारों की है जिसमें छठा अवतार के रूप में उनको जाना गया और अंत में वो बात आती है, लोके राम इति ख्यातो तेजसा भास्करोपमा, सूर्य की तरह उजागर। इति दाशरथे ख्यातः प्रादुर्भावो महात्मना, ये जन्म के संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। और दस वर्ष सहस्राणी क्यों आगे चला जाता है, भाई जरा फिर से ठीक करो बेटा। अरे इसको जरा हमें सही से समझा दो। अच्छा चलो इससे 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 हो जा रहा है। हाँ ठीक, तो इसमें जो है आगे उन्होंने ये भी लिखा, इति दाशरथे ख्यातः प्रादुर्भावो महात्मनः दस वर्ष सहस्राणि दस वर्ष शतानि च राज्यं भोगं च संपराप्य सशास पृथ्वी इमां। ये 11,000 वर्ष राज्य किया उन्होंने, इसका भी जिक्र किया। इस संदर्भ का महत्व इसलिए है कि रामायण में यह बात तीन बार कही गई है। वाल्मीकि रामायण में उनके 11,000 साल शासन करने की बात तीन बार कही गई है और वो यहां भी ज्यों की त्यों कही जा रही है। आगे के ग्रंथों में इस तरह से वो 11,000 साल जिए और उन्होंने राज्य किया, इसका हर जगह नहीं उल्लेख है, लेकिन यहाँ हमें इसका उल्लेख है और ये द्वापर में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त हो रहा है सभा पर्व में। दूसरी बार कथा का संदर्भ आता है अध्याय 147 में वन पर्व के, ये अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले शुरू में बताया कि दुख के समय और इसकी बातें कही गई हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा संदर्भ है। ये कथा संक्षिप्त है और हनुमान ने भीम को सुनाई थी। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सब लोग जानते भी हैं। हनुमान जी लेट गए आकर के अपनी पूंछ बढ़ा करके और भीम आए तो उन्होंने कहा कि हटाओ पूंछ हटाओ, ये क्या बंदरों को कुछ समझ नहीं आती, जान तहस हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही जाती हैं और वो हटा नहीं सके थे उसको। तो देखिए ये बहुत ही संक्षेप में इस यहाँ पर ये विवरण है, रामायणे इति विख्यात श्रीमान वानर पुंगव, वो हनुमान जो रामायण में विख्यात है, रामायण की कथा में विख्यात है, तो रामायण ग्रंथ का उल्लेख एक हुआ यहाँ पर। भीम द्वारा हनुमान का सीता की खोज में एक ही छलांग में समुद्र पार करने का यहां संदर्भ आया है। तो एक तरह से आरंभ से लेकर के आगे तक की कथा का एक अनुस्यूत संदर्भ यहां पर आ जाता है। सागर प्लवगेन्द्रेण क्रमेणकेन लंघित, एक छलांग, हालांकि एक छलांग तो नहीं लगी थी, बीच में रोका गया था उनको,
उन सब का विवरण हमें द्वापर में नहीं मिलता है। रामायण में उसका विशेष विवरण है। द्वापर में वो राक्षसी ने रोक लिया और तो इन सब बातों का और किस तरह से कूदे और ये सब क्या, इसका विशेष उल्लेख हमको द्वापर में नहीं आया। स्वाभाविक है, वो संक्षेप में कहना ही आवश्यक था। तो ये जो 7 श्लोकों में उन्होंने अपना परिचय दिया है और बाली सुग्रीव के बारे में एवं सीता अपहरण तक का वर्णन इस दूसरे संदर्भ में आता है, हनुमान और भीम के संदर्भ से। वन पर्व में भीम के मानव शरीर के स्पर्श से, अब जब हनुमान जी और भीम भीमसेन मिलते हैं, परिचय हो जाता है और होता है, तो जब मिलते हैं वो, तब विष्णु स्वरूप राम का उनको स्मरण हुआ है हनुमान को। मनुष्य रूप में भीम को जब आलिंगन करते हैं तो उन्हें विष्णु स्वरूप राम का, क्योंकि राम उस समय पुरुष थे, उनका ध्यान आ जाता है। और भीम को लौटते समय हनुमान एवं दशरथ राम का अनुस्मरण पूरे एक बड़े अच्छे ढंग से श्लोक में किया गया। अनुस्मरण वपुस्तस्य श्रियं च प्रतिमां भुवि माहात्म्यम् अनुभावं च स्मरण दाशरथिर्ययौ। उन्हें दाशरथि का ध्यान आ गया। तीसरा संदर्भ भी एक मिलता है राम कथा का। तीसरा संदर्भ भी वन पर्व में ही है, रामोपाख्यान पर्व जिसको कहा गया है। अध्याय 274 से लेकर 291 तक करीब 18 अध्याय हैं, जिनमें ये कथा मार्कंडेय ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई है। और एक चौथा संदर्भ है द्रोण पर्व में, जिसमें 16 राजाओं के उपाख्यान का वर्णन आता है और दशरथ राम वनवास में 14,000 राक्षसों का वध करते हैं, इसका भी उसमें उल्लेख है। रामायण में भी इसका उल्लेख है, 14,000 राक्षसों के वध का उल्लेख है, सेतु रचना का उल्लेख है, रावण वध का उल्लेख है इस कथा में चौथे संदर्भ में। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो बढ़ जाता है महाभारत में उल्लेख का महत्व, कि भूख और प्यास को जीतना, इस बात का उल्लेख है राम के लिए। भूख को जीतना, प्यास को जीतना, एकदम निग्रह, इसका उल्लेख है। और दूसरा है रोग नाश। इन सब के सुनने का, उपाख्यान के सुनने से क्या लाभ होता है? रोग का नाश। राम स्वयं रोग को नष्ट कर देते थे, रोग उनको होता ही नहीं था। अब ये नई बातें हैं, ये वाल्मीकि रामायण में हमें नहीं मिलती हैं। और यहां भी 11,000 वर्ष का राज्य का उल्लेख है। अब एक पांचवा संदर्भ भी हमको प्राप्त होता है, शल्य पर्व में जाकर यह संदर्भ में मिलता है। राम ने दंडकारण्य में एक राक्षस को मारा था जिसका सिर एक ऋषि के जंघे पर जाकर गिरा, कट गया सिर तो ऋषि के जंघे पर जाकर गिरा। वो ऋषि कौन थे? महोदर ऋषि थे। और वो जम गया, उसको वो छूटता नहीं था, बड़ा मुश्किल है, उसकी पूरी कहानी है। और फिर जा करके वो एक सरोवर में स्नान करते हैं और वो पूरी कथा है कि किसने बताया कैसे किया। और वो सरोवर में जब स्नान करते हैं तो वो सिर वहाँ उनके जांग से हट करके, मतलब उससे छूट करके जहाँ उसको जाना था वहाँ चला गया। लेकिन ये कथा, ये द्वापर की कथा है।
इसका संदर्भ अन्य किसी स्थान पर कहीं नहीं मिलता है। तो इस दृष्टि से इसका उल्लेख बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत में राम कथा जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण के व्याज से भी कही गई है। अब देखिए, हरण यहां भी है, द्रौपदी का हरण, और वहां सीता का हरण है। तो इन दोनों के सामंजस्य से राम कथा का उल्लेख महाभारत में आता है। ये भी कथा संक्षेप में ही है। रावण द्वारा सीता का हरण उसमें बताया गया, जटायु का प्रसंग उसमें बताया गया, सुग्रीव की सहायता से सेतु की रचना, इस बात का विशेष, सेतु रचना मात्र नहीं कहा, सुग्रीव की सहायता से सेतु की रचना, इसका वो किया। और फिर आगे जो है चलकर 18 अध्यायों में विस्तार से कथन है राम कथा का। अब देखिए, एक चीज और महत्वपूर्ण है इसमें उल्लिखित करना कि महाभारत के वन पर्व में मंथरा का उल्लेख है। महाभारत में वन पर्व में मंथरा कैकेयी के पास एक दासी थी, ये वाल्मीकि का उल्लेख, दोनों को तुलित करते हुए मैं बता रहा हूं। ये वाल्मीकि रामायण में आया, मंथरा थी, सब लोग जानते हैं मंथरा थी, लेकिन इतना ही बस जानते हैं कि वो कैकेयी की दासी थी। रामायण में भी उसका बहुत विशेष विवरण नहीं मिलता है। कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी, वो सदा कैकेयी के साथ रहा करती थी। इसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। वाल्मीकि जी ने भी ऊपर वाली बातें तो कही हैं, लेकिन उसके जन्म कहाँ हुआ, उसके देश का क्या था, माता पिता कौन थे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अब देखिए, इस दासी का नाम मंथरा, ये विरोचन की पुत्री कही गई है, और ये बात बालकांड में है, रामायण के बालकांड, महर्षि वाल्मीकि ने इसका उल्लेख किया है। लेकिन ये इंद्र द्वारा जो विरोचन की पुत्री का वध हुआ, ये वो मंथरा नहीं है, ये दूसरी मंथरा है। ब्रह्मा जी ने दुंदुभी गंधर्वी को मंथरा बनाकर भेजा, ये महाभारत में कहा गया। पितामह वचः श्रुत्वा गंधर्वी दुंदुभी ततः मंथरा मानुषे लोके कुब्जा सम अभवत तदा। तो ये दुंदुभी नाम की गंधर्वी थी जो मंथरा के रूप में आई, और इस मंथरा को फिर आगे इसमें और भी विवरण है, क्योंकि सभी लोग ऊपर से आ रहे थे, रावण को मारना था, और था ये एक उद्देश्य था, तो उनकी सब चीजों का, तो इस तरह से एक गंधर्वी को मंथरा के रूप में भेजा गया। ये अब ये कल्पित स्वरूप है, या कथा का कल्पित रूप है। ये वानर और रीछ के आयुध का एक उल्लेख, ये और दूसरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो इसी कथा में आता है। शाल ताल शिला आयुधा, वानर और रीछ जो राम के साथ थे, उनके आयुध बताए गए हैं। इन आयुधों का विशेष महत्व इसलिए है कि ऐसा लगता है कि ये अति प्रारंभिक काल का है। मैंने इस पर एक शोध किया था, भोज के समरांगण सूत्रधार में अश्म शब्द का उल्लेख है, और वह अश्म जो है
वो औजार के अर्थ में उल्लेख है, उसका वैदिक काल तक प्रयोग है कि ये एक हथियार था अश्म, और उस अश्म का जो अंतिम प्रयोग होता था वैदिक काल के भी पूर्व, वो प्रयोग है जंगल में वृक्षों को काटने का, और काट करके उन वृक्षों की डालियों से घर बनाने का, ये प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त है, उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह भी है। तो यहां देखिए जो प्रयोग है ये शाल ताल शिला आयुधा, आयुध शब्द का जो भी शिला थी वो आयुध थी, वो ऐसे नहीं था कि वो पत्थर उठाया और फेंक दिया, वो आयुध थे। जैसे एक तीर बनाना है तो एक डंडी लिया और इधर पत्थर का आयुध बना करके उसको बांधा और तब फेंका, ऐसे आयुधों का यहाँ संकेत है कि बानर भालू भी ये सब लोग भी अपने इस प्रकार के आयुधों से सज्जित थे। तो एक तरह से हमारा इतिहास इससे समर्थित होता है, प्रागैतिहासिक काल में ऐसे आयुध हमें प्राप्त हैं, तो ऐतिहासिक विवरण है ये। यहां वंश का भी उल्लेख हुआ है, इक्ष्वाकु वंश में अज और दशरथ, और फिर राम का उल्लेख है, और फिर विदेह पुत्री सीता का भी उल्लेख इस राम कथा में द्वापर में आया है। लेकिन इन उल्लेखों में एक बात फिर एक महत्व की आती है, कुबेर का उल्लेख है और सीता की पालकी वो उठाए हुए हैं, और ऐसा कुबेर धन के मालिक हैं, वो धनाध्यक्ष हैं, और उनकी आइकोनोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुबेर नरवाहन कहे जाते हैं। उनका शरीर संभलता है पुरुष के ऊपर, नरवाहन। तो इस आइकोनोग्राफी को ध्यान में रखते हुए कुबेर की पालकी का उल्लेख उसमें नरवाहन उनको कहा गया, क्योंकि जो पालकी ढोई जाती है तो उसके आगे नर होते हैं, पीछे नर होते हैं। तो ये एक आइकोनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ मिलता है, और विदेह की पुत्री में नरवाहनों का प्रयोग हुआ था। धनुष यज्ञ और सीता का परिणय यह यहां नहीं वर्णित है, द्वापर की कथाओं में धनुष यज्ञ का वर्णन नहीं। ये मुझे भी आश्चर्य हुआ जब सभी सारे राम के संदर्भों को मैंने देखा, तो ये विचित्र लगा कि इसका वर्णन नहीं है, लेकिन सीता और राम के परिणय का उपयोग और उसका जगह जगह पर उल्लेख अभी पहले मैंने किया, दुर्लभ मृगाय, तो इस तरह से इसका उपयोग किया। लेकिन दाशरथी वीरौ राम लक्ष्मण, ये बड़े जोर से इस बात को कहा गया है, दाशरथी वीरौ राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। एक जगह पर वन पर्व में दशरथ की आयु बताई गई है, आत्मानम वयोधिकम, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन कितना बूढ़ा हुआ हूं ये द्वापर में नहीं बताया गया। वाल्मीकि रामायण में ये साफ साफ लिखा गया है कि कई हजार बीत गए मुझे राज्य करते हुए, और वृद्धोस्मि मम वृद्धस्य इस तरह के शब्द आते हैं, और एक स्थान पर तो यह भी कहा गया कि 65,000 वर्ष दशरथ ने राज्य किया। तो इन उल्लेखों का भी अध्ययन की दृष्टि से एक अपना महत्व है, इसलिए मैंने यहां उद्धृत किया है।
राजा द्वारा राज्याभिषेक का निर्णय जब किया गया तो मंथरा ने इसको सुना। ये भी एक नए ढंग की बात यहां कही गई, इसको सुनने वाली मंथरा थी। और जगहों पर इसका वर्णन मंथरा के माध्यम से नहीं किया गया है, ये महाभारत में ही यह वर्णन है। मंथरा ने सुना, श्लोक आज हम सब रेफर किए हुए हैं, उदृत है। कैकेयी के संदर्भ का एक ही वर यहां भी कहा गया है, मैंने इस पर विशेष चर्चा आगे की हुई है, पिछले अपने प्रवचन में भी आपको आपके यहाँ जो हुआ था उसमें इसकी चर्चा की थी कि कैकेयी को अधिक वर नहीं थे, दो वर नहीं थे। रामायण में भी वरम और वरव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, कहीं वर कहीं वरव, तो मतलब आगा पीछा है। तो इनमें बहुत जगहों पर क्योंकि बीच बीच में लोगों ने उसमें जोड़ दिया है तो खंडित हो गया है काव्य का रस। लेकिन खैर, मेरी यही मान्यता है कि कैकेयी को एक ही वर प्राप्त था। और दूसरी मान्यता यह है कि वह वर भी कैकेयी को नहीं मिला था, वह वर कैकेयी की माता को दिया गया था, और वो भी वर नहीं दिया गया था, वह एक शपथ था। समय शब्द से उसका उल्लेख किया गया है। तो एक ही वर था, उस पर हम यहां चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि एक संदर्भ हमको यहां भी मिलता है जिसमें वो एक वचन में वर मांग रही है। सत्य प्रतिज्ञयन में त्वम कामेकम निशिष्टवान, कामेकम मेरी कामना एक है, इससे बढ़ के और क्या हम ग्रंथों में जहां एक शब्द ही एक आया, काम एकम निशिष्टवान। और इसके आगे भी वो कहा कि मांगा तो लेकिन राजा न किंचित व्यजहार, राजा ने कुछ उसके आगे बोला ही नहीं, तो बोला ही नहीं तो मतलब दिया नहीं, मैं ये मानता हूं। जब वो कुछ बोले ही नहीं तो दिए ही नहीं। और इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या है बहुत ब्रह्म पुराण में जो कही गई है, वहां एक नहीं दो नहीं तीन वर की चर्चा है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि राजा ने कोई वर दिया ही नहीं, राजा न दत्तमान लिखा हुआ है वहां पर। तो खैर, वो जो भी हो, एक ये प्रमाण है कि एक ही वर उसका था, काम एकम निशिष्टवान, राजा न किंचित व्यजहार, राजा तो कुछ बोले ही नहीं। तो ये भी ये कहने का है वहां पर लिखा हुआ कि राम स्वयं निर्णय करते हैं कि हम वन जाएंगे। वनम प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति, राजा का जो शपथ है, राजा का जो कहा हुआ सत्य है, समय है, जो समझौता है, उसकी पूर्ति के लिए ये नहीं कहते हैं कि भरत को राज्य दे दिया जाए, कहते हैं कि मैं स्वयं वन चला जाऊंगा। तो वन का निर्णय ना तो कैकेयी का है और न ही राजा का है, यह स्वयं राम का है। क्योंकि अगर राम स्वयं ये कहते कि ठीक है वो राजा बन जाए, हम यहीं रहेंगे, तो वो द्वैत चलता रहता और फिर राज परिवार और सब की समस्या हम सब लोग समझ सकते हैं। तो राम ने स्वयं निर्णय किया, इसके अनेक प्रमाण हमारे पास हैं जिनका विवरण हमने अलग से दिया हुआ है। तो वनम प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति, उनका निर्णय अपना था। एक और विपर्य यहां देखने को मिलता है इस कथा में कि यहां कहा गया है कि भरत और शत्रुघ्न नहीं, भरत ननिहाल में थे और शत्रुघ्न तो गए ही नहीं थे ननिहाल।
राम कथा में ये आता है कि भरत और शत्रुघ्न दोनों गए थे और दोनों फिर वापस आए। तो ये प्रक्षेप अंश है, हमारा केवल संकेत इतना है। और यह बात सही है, शत्रुघ्न नहीं गए थे, भरत ही गए थे अपने ननिहाल, और चूंकि वे उत्तराधिकारी बनाए गए तो इसलिए उनका आना जरूरी, तो उनको बुलाने के लिए दूत गए और उनको लेकर के आए। लेकिन इसी स्थिति का जो वर्णन है भास के प्रतिमा नाटक में, उसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि शत्रुघ्न नहीं गए थे, यह शत्रुघ्न उस समय यही थे। उसमें यज्ञ के उल्लेख आदि हैं, उनको मैं यहां विशेष नहीं बताऊंगा। अब देखिए एक चीज और जो वैभिन्न हमको दिखाई देता है कथा के रूप में, हम लोग आम रूप से जानते हैं कि नाग कान काट लिया सूर प्रणखा का, कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। निकृत नासोष्ठी शब्द का प्रयोग है, वाल्मीकि रामायण में है चिच्छेद कर्ण नासे, कान काट लिया नाक काट लिया, और दूसरी जगह है एक उल्लेख है विकृत कर्ण नासा, वो बात एक ही है दोनों में, शब्द का अंतर है। लेकिन जो द्वापर के महाभारतकार ने लिखा वो एक विचित्र बात कह दी यहां पर, निकृत नासोष्ठी नासा काटा और ओठ काट लिया। ये एक सोच की बात है, इस पर काव्यात्मक विमर्श होगा, इसलिए मैं यहां छोड़ता हूं, क्योंकि वस्तु तो है और विचार करने योग्य है। रामायण में दूसरा कहा गया, यहां दूसरा कहा गया, क्यों कहा गया और कैसे कहा गया, तो जो भी हो हम यहां केवल इतना ही कहकर हम आगे बढ़ते हैं कि यहां पर विपर्यय है, अंतर है दोनों के। अब देखिए स्वर्ण मृग की बात तो मैंने पहले कहा था, उसका उल्लेख है यहाँ, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। रत्न श्रृंगो मयो रत्न चित्र तनु रुह, यानी उसका तनु भी शरीर भी रत्नों से जड़ा हुआ था, और रत्न श्रृंग उसके श्रृंग में रत्न जड़े हुए थे, कहीं भी स्वर्ण नहीं आता है शब्द विचारणीय। हरण के अवसर पर सीता मूर्छित हो जाती है, ये द्वापर की कहानी में आता है, रामायण में नहीं आता है। सीता मूर्छित गत चेतसाम शब्द का प्रयोग है, और इतने ही नहीं उसमें यहां तक कहा गया कि सीता को केश पकड़ के उठा ले गया, यानी अपने रथ पर या जैसे भी चढ़ाया ले गया, आकाश मार्ग से ले गया केश पकड़कर, और गृहत्वांकेन इन शब्दों का प्रयोग हम समझते हैं कि द्वापर युग के कथाधारा के कारण आया। ये रामायण के काव्य की भाषा नहीं है, काव्य की भाषा में अंतर आया समाज के अंतर आने के कारण। द्वापर युग में द्रौपदी के केश खींचे गए, हमको इसकी झलक दिखाई देती है जब जब ये लेखक ये कहता है कि आकाश मार्ग से ले जाने वाला रावण उनको केशोच्छ्रित किया आर्य। अब देखिए इसी तरह से कबंध वध का एक वर्णन है, राम ने खड्ग से बाई बांह काटी, और लक्ष्मण ने भी खड्ग से कबंध की दाहिनी बांह काटी, दोनों लोगों ने इसका प्रयोग किया।
वर्णन की दृष्टि से प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों तो धनुर्धर थे, खड्ग कहां से आया? खड्ग तो नहीं आना चाहिए। तो ये विपर्य का अवसर है और काव्य की दृष्टि से विपर्य के जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं या कहने में दोष है आदि का विश्लेषण करने योग्य है, लेकिन जो विपर्य है यह ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेख करने का मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। इसी तरह से सप्तताल की जो घटना है वो भी नहीं है यहां, जो सुग्रीव सहयोग करते हैं और वो कहा जाता है कि ये जो इसको एक तीर से गिरा देगा वही मार सकेगा, तो वो घटना भी यहां पर नहीं है। और दूसरी बात एक ये भी महत्वपूर्ण है कि जब वो होता है कि हाँ हम करेंगे और खोजा जाएगा और ये वो सुग्रीव जब करते हैं तो सुग्रीव भूल जाते हैं, अपने राज्य मद में चूर हो जाते हैं, तो लक्ष्मण क्रोध करके आते हैं, लेकिन लक्ष्मण के क्रोध को यहां शांत किया गया है। इस कथा में क्या शांत किया गया है? यहां लिखा हुआ है कि 25 दिन पहले ही से वो इसमें प्रयास कर चुका था, जिस समय लक्ष्मण को क्रोध आता है और राम उनको भेजते हैं उसके 25 दिन पूर्व से ही सुग्रीव ने अपना कार्य किया था। ये एक अलग ये उसके प्रयास की प्रशंसा की दृष्टि से यह उल्लेख है। इसी तरह से सुग्रीव के गले में माला लक्ष्मण ने नहीं डाली, हनुमान ने डाली थी कि उसको पहचाना कैसे जाए। हनुमान जी का लौटकर अपनी लंका यात्रा का वृत्तांत निवेदन करना और लंकनी का वर्णन इसमें नहीं है। लौट करके आए तो बताया राम को कैसे ऐसे ये हुआ और मणि दी और सिर की मौली मणि उनको दिया कि मैं उनसे भेंट करके आया वगैरह, तो इन सब का अभाव है हमारे महाभारत कार के उसमें। इसी प्रकार से मुद्रिका का संदर्भ भी द्वापर के राम कथा में नहीं है, इसका संदर्भ नहीं आता है। तो राम की बातें जो हनुमान लेकर के गए थे कहने के लिए, वो उस पर विश्वास कैसे किया उन्होंने? तो उसका एक कारण बताया है कि अविंध्य के कहने से माना, अविंध्य एक सज्जन पुरुष उस समय का था, उसके कहने से माना कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। जरा इसका चार्जर भी दे देना बेटा, चार्जर। वाल्मीकि रामायण में और किष्किंधा कांड में जो विवरण है वो बानरों का विवरण, 3 करोड़ बानर कहे गए हैं, 10 करोड़ एक जगह पर कहे गए हैं, एक जगह 10 अरब कहे गए हैं, दूसरी जगह भी 10 अरब कहे गए हैं और अंत में अगणित वानर कह दिया गया। इतने वानर थे कि सूर्य को आच्छादित कर दिए थे, इसकी संख्याएं जो हैं वो और आगे अलग ढंग से दी गई हैं, जैसे कि लाख किया, अरोड़ किया, अयुत, अर्बुद, मध्य, पद्म, अंत्य, समुद्र, नील, शंकु, इस तरह के शब्दों के प्रयोग से, यानी इतनी अधिक सेना, अपार सेना का विवरण करने के लिए इन संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है।
एक विपर्य यह भी है कि जब सेतु बंधन की बात आई, सेतु निर्माण की बात आई, तो रास्ता नहीं मिल रहा था। राम बैठे रहे, गए 3 दिन बीत, 3 दिन, तब उन्होंने सरासन उठाया और फिर राम की कथा और अनेक बातें उसमें आती हैं। लेकिन महाभारत में ये कहा गया कि समुद्र स्वयं स्वप्न में आया राम के और उसने बताया कि सेतु बंधन करे, सेतु बांधे। तो ये एक एक भिन्न बात हमें द्वापर में मिलती है और वो रामायण से हटकर है। सेतु का योजन, आकार वगैरह सब वो पहले का ही है और 1 माह में ये सेतु बनकर तैयार हुआ, इसका विवरण हमको प्राप्त होता है। एक और बात बड़ी अलग से हमको प्राप्त होती है, क्योंकि महाभारत का समय व्यूह रचना का समय था, तो संभवतः इस कारण से इस तरह के व्यूह आदि की चर्चा रामायण त्रेता युग में जो कथा लिखी गई उसमें नहीं है। लेकिन राम का व्यूह बृहस्पति के मतानुसार था। आचार्य बृहस्पति ने जो व्यूह रचना के संदर्भ उन्होंने लिखे हैं, बताए हैं, उसके अनुसार था। और राक्षस व्यूह शुक्राचार्य के मतानुसार था। इसका स्पष्ट उल्लेख हमें महाभारत में प्राप्त होता है, द्वापर युग में। अब मैं इसका कारण केवल यही मानता हूं कि इस समय जो अन्य व्यूहों की रचना और आदि आदि का अधिक प्रभाव और युद्ध के अनेक ढंग तरीके वर्णित हैं महाभारत में, उसके कारण ये 2 बातें कही गई हैं। एक बात और महत्वपूर्ण कही गई जो ऐतिहासिक दृष्टि से और विवरणात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि राम के तीर लोहे के बने थे, लौह युग, उनके तीर लोहे के बने थे। उसके साथ बंधी रहती थी, ध्वनि शक्ति का प्रयोग, इसका उल्लेख हमको इसमें प्राप्त होता है। आयुधों के संदर्भ में शब्द कुछ और भी हैं। विशल्य नाम की एक अभिमंत्रित महौषधि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। श्री राम लक्ष्मण क्षणभर में अचेत होकर गिर पड़े थे जब, तो कुबेर ने इस औषधि को भेजा था। इस औषधि से उनको चेत आया, आंखों पर लगाया तो आंखें खुल गईं, ऐसा विवरण है। गुह्यक जल उसके साथ आया था, समस्त वानरों सहित अपने नेत्र को धोना, और इस जल के धोने से ये इसका गुण बताया कि जो अदृश्य है वो भी दृश्यगत हो जाए। अदृश्य राक्षसों को देखकर मार सकते थे राम, ये कुबेर ने उनको भेजा और इन दोनों ही औषधियों का प्रयोग इस युद्ध में किया गया। एक और ये बात हमें जहां तक ध्यान है कि पहली बार ही कही जा रही है, राम और लक्ष्मण के बहुत से रूप रावण ने रच दिए अनेक जगहों पर, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। और दूसरी बात कि राम के लिए इंद्र का रथ भेजा गया युद्ध करने के लिए, ये भी अन्य जगहों पर वर्णित नहीं है। राम का तो रथ, वो तुलसीदास ने उसका बड़ा ही वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। वो उनके गुण थे, उनके धर्म थे, उसका धैर्य था, उनका साहस था, उनका पराक्रम था, ये सब उनके रथ के अंग थे आदि आदि।
एक ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण हमें महाभारत के विवरण में मिली कि हनुमान को एक वर दिया सीता जी ने, सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होंगे, उनको हर समय स्वतः प्राप्त होगा दिव्य भोग। इस बात की चर्चा अन्य स्थानों पर नहीं। अब देखिए राम कथा आखिर द्वापर में प्रयुक्त क्यों हुई, ये तो हमने विपर्य जहां मिले हैं उनका अभी उल्लेख किया है। प्रयुक्त क्यों हुई, क्यों राम कथा कही गई? राम कथा का प्रयोग युधिष्ठिर के नैराश्य को दूर करने के लिए गई। नैराश्य भंग करती है राम कथा और उत्साह भरने के लिए कही गई वन पर्व। हम लोग राम कथा केवल वीरता और उसके दृष्टि से करते हैं, लेकिन यहां नैराश्य को दूर करने के लिए, निराशा न हो रहा, यह बात भी वाल्मीकि रामायण की पुष्पिका में कहीं नहीं लिखी है कि अगर हम रामायण का पाठ करते हैं तो क्षत्रिय को ये मिलता है, ब्राह्मण को ये मिलता है, शूद्र को ये मिलता है, जो अन्य व्यक्ति हैं वो अगर पाठ करते हैं तो ये सब तो मिलता है उसके अंत में, लेकिन यह बात नहीं कही गई कि नैराश्य दूर होता है। ये केवल महाभारत में प्राप्त है। युधिष्ठिर को नैराश्य के दूर करने के संदर्भ में एक दूसरा भी उल्लेख महाभारत में है, शांति पर्व में। वन पर्व में तो वो सुनाया ही, लेकिन शांति पर्व में पुनः इसका उल्लेख है। अर्थात यह विशेष रूप से यह माना जाता रहा होगा उस काल में कि राम की कथा नैराश्य को दूर करती है और उत्साह को बढ़ाती है। केवल उत्साह बढ़ाने वाली नहीं कही गई। यत्र तत्र राम के संदर्भ हैं, ये हमने एक तरह से निकाल के एक दो जगहों पर रखते हुए कि राम के संदर्भ कहाँ कहाँ इसमें मिले। शांति पर्व में मिला एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, छह जगह, सात जगह। अनुशासन पर्व में मिला दो जगहों पर, तीन जगह, चार जगह। इस तरह से इन सबका अलग अलग जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा किस तरह से प्रयोग हुआ है। जैसे श्रेष्ठ गुण वाले राजाओं में दारुशस ने आपका उल्लेख कर दिया, तो वो श्रेष्ठ गुण की चर्चा वहाँ पर की गई आदि, और भी बहुत सारे हैं। तो एतैश्चान्यैश्च राजेन्द्र पुरा मांसम न भक्षति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन विभिन्न उल्लेखों में ये बात बड़ी खास तौर से बताई गई कि राम ने कभी मांस भक्षण नहीं किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को अपने आज के युग को भी दिशा देने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। इसका बार बार उल्लेख हम लोगों को करना चाहिए, जनमानस में ये बात जानी चाहिए, और ये महाभारतकार ने दिया है, रामायण में नहीं ये लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रामायण के समय में खाते थे ये निगेशन का एक अर्थ ऐसा उल्टा भी लगा रहा करते हैं लोग, लेकिन वो गलत अर्थ लगाना है, एकदम ही गलत होगा। यहां तो कह रहे हैं पूरा मांसम न भक्षितम आदि आदि, और भी कई चीजें हैं जिनका एक मंथन एक साथ कर दिया है। आदि पर्व में राम को यज्ञकर्ता के रूप में वर्णित किया गया, यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ के रूप में उनका, और इसको रखा कहाँ गया? अनुशासन पर्व में नित्य स्मरणीय सूची एक बनाई गई है कि किसका किसका रोज हमें स्मरण करना चाहिए, कौन कौन से नाम हैं जिनको हमें याद करना चाहिए। तो उन नामों में यज्ञों दास रथेश चराज्ञ राम का उल्लेख किया।
कि उनका और किस बात के लिए करना चाहिए उनका उल्लेख, ये भी बताया। रामो राक्षसहा वीर, राक्षसों को मारने वाला वो वीर था, इसलिए याद करना चाहिए। तो जैसे हमने पहले चतुर्मूर्त की चर्चा की कि उसका उल्लेख है, देखिए अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्र नाम आता है और विष्णु सहस्र नाम विष्णु के एक सहस्र रूप वर्णित हैं, उनमें चतुर्मूर्ति का उल्लेख है। तो ये चतुर्मूर्ति विष्णु के वो विकुंठ रूप, वैकुंठ विष्णु रूप में नहीं है, ये वो वैकुंठ मूर्ति जो चंदेल वंश के राजा ने खजुराहो में बनवाई, विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठापित की, वैकुंठ विष्णु की मूर्ति। तो उसमें एक और शेर का मुख है, एक और सिंह का मुख है, एक और स्वयं सामान्य मुख है और पीछे राक्षस का मुख है। तो वो चतुर्मूर्ति नहीं है ये, वो बाद में लोगों द्वारा ये आइकोनोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मूर्ति प्रतिमा निर्माण की दृष्टि से विभिन्न और बातों को संयोग करके वो मूर्ति विष्णु की बनाई गई। यहाँ विष्णु सहस्र नाम में चतुर्मूर्ति जो कहा गया, ये विष्णु के उन मूर्तियों को नहीं गिनाया गया, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को कहा गया। तो ये भी एक नवीन ढंग से राम के उल्लेख की चर्चा यहाँ पर आती है। और वाजिमेध करने वाले राजाओं में इनका उल्लेख आता है, दास रथिर यथा, रामो दास रथिर यथा, जिन्होंने राजसूय यज्ञ वाजिमेध किया, अश्वमेध यज्ञ किया। मैंने पहले उल्लिखित किया 11,000 राज्य वर्ष का उल्लेख महाभारत में 3-4 जगहों पर आया है। वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को देखकर राम का स्मरण कर वो मुस्कुरा रहे थे, ये उल्लेख आया है। युधिष्ठिर के पूछने पर सत्यव्रत दाशरथ के लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर वन निवास की याद आने का प्रसंग बताया है, कहा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लक्ष्मण और राम ऋषिमुख पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं और उनका दर्शन करके के कारण मुझे बहुत ही वह प्रसंग मुझे स्मृति में आ गया, मेरे मन में आह्लाद आ गया। परशुराम के तेज का राम द्वारा हरण की कथा लोमश ने युधिष्ठिर को सुनाया, ये हमारे यहाँ आता है, ये द्वापर में आया है। परशुराम के दिए गए बाण का संधान कर तेज का हरण, ततः स भगवान विष्णुस्तम वै बाणम मुमोचः, तो वो बाण उन्होंने मारा, इसका विवरण आता है। लेकिन सीता और राम के धनुष यज्ञ का प्रसंग नहीं है ये अलग प्रसंग में ये बात कही गई है। और ये प्रसंग है परशुराम का अयोध्या में आने का, और अयोध्या में ही आरंभिक काल के समय का यह है, जबकि भगवान राम की धनुर युद्ध में प्रवीण होने की बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी, उस समय परशुराम अयोध्या आए थे और उस क्रम में इस बात को कहा गया है। तो ये सब चीजें एक हमारी दृष्टि से नई हैं, जिनको ध्यान में लेकर राम कथा को लिखने की जरूरत है। स रामं विह्वलं कृत्वा तेजश्चाक्षिप्य केवलं आगच्छत् ज्वलितो बाणो राम बाहु प्रचोदितः। ये हुआ कि उन्होंने तो वो तीर चढ़ा दिया और कर दिया, तो फिर कैसे इसका समापन हो,
उन्होंने कहा मेरा तीर तो चलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इस तरह का विवरण करते हुए उन्होंने उनकी श्री हर, यानी उनका तेज जो है वो हर लिया राम ने। फिर आगे की कथा है वो दूसरी तरह की है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। फिर वो एक जगह जाते हैं, तपस्या करते हैं, और फिर उनको अपना तप से फिर उनको वह प्राप्त हो जाता है, आदि लंबे तौर से कही गई है। लेकिन मैं यहाँ इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि रघुवंश में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख बताया गया है। क्या रघुवंश कहता है? कहता है कि रघु के वंशज जो भी हों वो ये कार्य किया करते थे। वो जा करके किसी को जीतते थे तो उसको बस ले करके अपने राज्य में मिला नहीं लेते थे, ये उनका गुण था। गृहीत प्रतिमुक्तस्य सधर्म विजयी नृपः, वो धर्म विजयी राजा था। राजा का श्री तो हर लेता था लेकिन मेदिनी नहीं हरता, क्योंकि अब तो वो हमारे अधीन हो गया, तो उसको अधीन को खत्म करना न खत्म करना बराबर है, वो तो हमारे राज्य में आ ही गया। तो श्रियम महेंद्र नाथस्य जहार न तु मेदिनीम, ये रघु के लिए कालिदास ने वर्णित किया है। ये उस परंपरा का द्योतन है, इसी परंपरा को राम ने भी निभाया है, हर जगह निभाया है। सुग्रीव को राज न दे करके अंगद को राज दिया, रावण को मार दिया तो रावण के अन्य किसी को न दे करके विभीषण को राज दिया, अपने राज्य में नहीं मिलाया उन्होंने। ये रघुवंश का महात्म्य है, ये महात्म्य गाया गया है यहाँ पर। तो ये महाभारत में जो ये बात कही, कृत्वा तेजश्चापि केवलम, केवल उनके तेज को हरण किया, परशुराम को का हरण नहीं किया, परशुराम के धनुर्विद्या का हरण नहीं किया, केवल उनके तेज का हरण किया, बाकी सब जस का तस रह गया। और उसे उन्होंने फिर तपस्या करके प्राप्त कर लिया। तो ये रघुवंश में इसका हमको उत्तर मिलता है कि आखिर ये क्यों कह रहा है महाभारतकार इस बात को। तो राम की कीर्ति बड़ी अपूर्व है। इसको भीम ने पूछा जब हनुमान से बात हो रही थी, तो हनुमान ने कहा तो राम को तो राम की तो आवश्यकता ही नहीं थी, रावण को तो मैं ही मार देता, मार डालता। तो भीम ने कहा कि तुम मार क्यों नहीं दिया, तुम जब मार सकते थे, आप जब मार सकते थे, पहले तो बानर के रूप में कहा, तुम जब मार सकते, जब समझे हनुमान जी से बात हो रही है, तब कहे आप जब मार सकते थे, ये इस तरह के वर्णन में है, तो जब आप मार सकते थे तो क्यों नहीं किया। तो वहां पर वो कहते हैं राम की कीर्ति नष्ट ना हो, राम की कीर्ति बनी रहे, और मैं तो राम का सेवक हूं इसलिए नहीं मारा मैंने, नहीं तो मैं ही मार डालता राम को। ये बड़ी सटीक चीजें और बड़ी आकर्षक बिंदु हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। कीर्तिर नश्येद नश्येद राघवस्य तत एदु एतदुप इक्षितम, इस इच्छा से कि मैं ही मार दूंगा तो फिर राम को क्या रह जाएगा करने को, राम की कीर्ति हो, उत्कृष्ट कीर्ति बने, इसलिए मैंने नहीं मारा, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दो बातें मैं और कहूंगा इस संदर्भ की। राम तीर्थ कई जगहों पर उल्लिखित है, लेकिन हर जगह पर राम शब्द नहीं है। कुछ जगहों पर राम शब्द के साथ तीर्थ का नाम है और कई जगहों पर बिना राम के है। तो मैंने विशेष रूप से एक दो ले लिया है,
इसकी संख्या बहुत सारी है जो दी गई है। देखिए गोप्रतार तीर्थ, जहां राम स्वर्ग को गए, इसका विवरण बहुत अच्छा कालिदास ने किया है कि राम ने सरयू तट पर ऐसी सीढ़ी सरयू नदी में स्नान करके निकलने की बना दी कि लोग स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसे लिखा, बहुत बढ़िया वर्णन है वो। तो उस घाट को आज भी स्वर्ग द्वार घाट कहा जाता है, और स्वर्गारोहण का जो विवरण है उसमें गोप्रतार तीर्थ कहा गया है, और इसके आगे भी वर्णन है कि इसको राम तीर्थ ना कह करके या स्वर्ग द्वार तीर्थ ना कह करके क्यों गौओं से इसको जोड़ा गया, वो एक अलग कहानी है, जिसके कारण इसका नाम गोप्रतार तीर्थ है और आज तक ये बना हुआ है। जो वहां स्वर्ग द्वार घाट कहता है उसको गोप्रतार तीर्थ भी कहते हैं, आज भी ये प्रयोग में है, और इस तरह का प्रयोग हमें अभिलेखों में भी मिला है। गाढ़वाल राजवंश के मदन देव का एक अभिलेख है, उस अभिलेख में राम तीर्थ का उल्लेख है, लौहित्य तीर्थ का उल्लेख है, और श्रृंगवेरपुर भी एक तीर्थ के रूप में आ जाता है क्योंकि वहां गंगा पार किया उन्होंने। लेकिन अब राम शब्द हर जगह नहीं है, इसलिए इसका विशेष हमने नहीं, केवल एक संदर्भ मात्र से गोमती का तीर्थ जो राम तीर्थ कहा गया गाढ़वाल नरेश में, उसमें राम शब्द भी आता है, तो हम अन्य तीर्थों को यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो प्रयास किया कि वाल्मीकि रामायण और द्वापर की रामायण के स्वरूप में क्या अंतर है, तथ्यों में क्या अंतर है, उसका किस तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर महत्व दिया जाना चाहिए, हमने सभी का समय समय पर उल्लेख किया कि आयुध तो शिलायुध कहा उसको, उस आयुध का क्या इतिहास है उसको भी संकेतित किया आदि आदि। तो इस तरह से हम एक आज के दिन राम की कथा के अनवरत प्रयास करते हुए लोगों ने कहाँ कहाँ से कहाँ तक ले गया, यानी आज तक अनेक रामायण अनेक भाषाओं में हमें प्राप्त हो रही है। संभवतः राम कथा में अपनी बातों के साथ राम कथा कहने का द्वापर युग का ये प्रथम उदाहरण है, और यह अन्यों के लिए प्रेरणा का द्योतक है। इस दृष्टि से मैंने एक यह संक्षिप्त अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप लोगों को आशा है कुछ न कुछ अच्छा जरूर लगा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।